मोहनगढ़ में परमार्थ समाज सेवी संस्था विगत 23 वर्ष से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। इस संस्था द्वारा कुछ गांवों में जल सहेलियां बनाई गई थी। यह जल सहेलियां निस्वार्थ भाव से जल संरक्षण के लिए गांव स्तर पर काम कर रही है। इनके द्वारा पुराने तालाबों में श्रम दान करके उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है तथा इन महिलाओं के द्वारा गांव-गांव में वृक्षों को लगाया जा रहा है। अन्य ग्रामीण महिलाओं को वृक्षों को लगाने व वृक्ष बचाने से होने वाले लाभ के बारे में इन सहेलियों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से इस रक्षाबंधन पर लॉकडाउन होने की वजह से यह जल सहेलियां अपने मायके भाइयों को राखी बांधने नहीं जा पाई, इसलिए इन सहेलियों ने वृक्षों को भाई मानकर उन्हें राखी बांधी। इनका कहना था कि पेड़ हमारी अनेक तरह से रक्षा करते हैं। पेड़ों से हमें प्राणवायु मिलती है, फल मिलते हैं तथा पेड़ों की वजह से ही वर्षा होती है, इसलिए पेड़ भी हमारे भाई के समान हैं। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। कविता हरवार है, ग्राम कांटी की रहने वाली हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, आपने वृक्ष को राखी क्यों बांधी है? मैंने इसलिए राखी बांधी है क्योंकि मैं अपने मायके नहीं जा पाई हूँ, इसलिए मैंने वृक्ष को भाई बनाकर राखी बांधी है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने वृक्ष को राखी। अच्छा ये बताइए, आपको वृक्ष क्या क्या देते हैं? आपको हवा देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, इसलिए बस मैं पेड़ पौधों की हमेशा रक्षा करूंगी। ऐसे ही पेड़ पौधों को ऐसे बचा लेती हूं कि मैं अपने पेड़ पौधे को भाई, अच्छा भाई पेड़ पौधों को मतलब लगाओगी आप पेड़ पौधों को? हाँ। मतलब कि आपको पेड़ पौधे अच्छी ऑक्सीजन देते हैं ना? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आप बताइए आपका नाम क्या है? सस्ती देवी अहरवाल है। अच्छा आप कहाँ की रहने वाली हो? कांटी की। चलिए बहुत बढ़िया है। और आपने वृक्ष को राखी क्यों बांधी है? इसलिए बांधी है राखी, इसलिए अपने मायके नहीं, लॉकडाउन की वजह से मायके नहीं जा पाए, तो इसलिए मैंने भाई को वृक्ष को भाई समझा और इसलिए राखी बांधी भाई को। गाड़ी वाहन नहीं चल रहे इसलिए वृक्ष को जाने में राखी बांधी भाई बनाया अपना। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्लैपिंग कीजिए इनके लिए जोरदार सभी। चलिए अच्छी आंटी जी आप बताइए आपका नाम क्या है? अब हमारा शीला नाम है और कांटी के रहने वाले हैं हम। अच्छा आपने पेड़ को राखी बांधी है? पेड़ को राखी ऐसे बांधी कि हम अपने भाई की नुक्के तो नहीं जा पाए, तो अपने बाहन नन्या घोड़ा बाहन तो अपने इन्हीं को भाई बनाया है। चलिए बहुत अच्छी बात है आंटी। और अच्छा ये बताइए मतलब कि आप पेड़ को लगाती हो क्या? लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी हर चीज़ें नकली उसकी है आती है, हवा लेते हैं उसका। चलिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने एक बच्चे की तरह आपने पेड़ पौधे को सींचा है, मतलब सींचा है, उसको लगाया है, क्योंकि आपको हवा देती है, आपको ही नहीं पूरे संसार को देती हो, जो हमारी अग्नि के पूरे मतलब पांच तत्व वगैरह आते हैं, जो सब हमारे पेड़ पौधे हवा वायु पानी वगैरह इसी से ही सब कुछ होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। पत लेते हैं हमेशा ऐसे ही राखी बांधेंगे। अभी तो ऐसा है कि मतलब कि लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं पाए अपने भाई के यहाँ, पर हम हमेशा भाई के यहाँ जाएंगे अंग लेके उसमें, और मतलब राखी को भी राखी बांधेंगे और अपने भाई को भी राखी बांधने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।